Hi friends, good evening. Welcome to our channel Neo Markets. Friday के session में हमने क्या trades लिए, क्या setup था, हम समझते हैं chart पे trades का logic, entry, exit हम सब discuss करेंगे इस video में. साथ ही साथ कल के session के लिए जो levels रहेंगे उनको हम mark कर देंगे. Friday की session की बात की जाए तो bank Nifty ने बहुत अच्छा एक up move दिया. 3 बजे के करीब काफी अच्छी short covering देखने को मिली जो कि bank Nifty को सीधा 300 point ऊपर लेके गई. फ्राइडे के ट्रेड्स की अगर बात करें तो 3 ट्रेड्स लिए थे फ्रेंड्स. पहला जो ट्रेड था वो एक शॉर्ट ट्रेड था, सुबह 5 मिनट्स की एक बियरिश कैंडल बनी थी जिसने प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर दी थी क्लोजिंग. इसके बाद प्राइस अगर आप देखें सेकेंड कैंडल में ये थ्रेड तो प्राइस ऊपर मूव होने की कोशिश की, लेकिन जो 43,000 है यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और जैसे ही ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आने लगा और इसने लो ब्रेक किया, हमने इस ट्रेड में एंटर किया. हमारा जो SL था वो ब्लू लाइन के ऊपर था और जो टारगेट था वो रेड लाइन थी हमारी. तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, तो यहाँ पर हमारा टारगेट मीट हो गया. इसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, हमने वेट किया कि प्राइस रीटेस्ट हो. रीटेस्ट होने के बाद भी जो पहली कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल बनी थी अगर आप देखें तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बिकॉज ये ब्रेकडाउन कैंडल का भी लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस नीचे गया ही नहीं. दैट मीन्स देर वॉज स्ट्रेंथ इन द मार्केट और यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न इंस्टेंट बन गया जो कि एक्चुअली एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का साइन था. तो जब यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना और ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया गया तब हमने यहाँ पर एंट्री की और हमारा जो SL था वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे ही था. यहाँ पर प्राइस बहुत देर कंसोलिडेट करता रहा तो कोई भी अप मूव देखने को नहीं मिली, तो हमने इस ट्रेड को यहीं पर ही स्क्रैप कर दिया. तो ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड था. इसके बाद कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं मिला, बहुत स्मॉल कैंडल्स ही, प्राइस इसी रेंज में स्मॉल स्मॉल कैंडल्स यहीं पर कंसोलिडेट कर रही थी, कोई भी क्लियर प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ. इसके बाद पहली बार यहाँ पर अगर आप देखें कुछ 2:30 बजे के पास में ये जो प्रीवियस डे हाई का लेवल था वो ब्रेकआउट हुआ. ये एक क्रिटिकल लेवल था, इसके ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को अपर साइड लेके जानी थी. तो यहाँ पर हमने वेट किया, यहाँ पर वापस जब प्राइस रीटेस्ट होने के बाद जब इसने ग्रीन कैंडल का हाई निकाला तब हमने इस ट्रेड में एंटर किया और यहाँ पर जो ट्रेड एंटर किया फ्रेंड्स बहुत ही फास्ट ट्रेड था. ये एक बहुत अच्छा अप मूव देके गया और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया. तो दिस वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन फ्राइडे. कल के सेशन के लिए जो कि मार्केट खुलेगा 3 दिन के बाद ट्यूजडे को जो कि है 2nd of May, लेवल्स को हम मार्क करते हैं और समझते हैं कल का ट्रेड प्लान. कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे फ्रेंड्स, प्रीवियस डे क्लोज का लेवल है 43,222. हमारे पास पाइवट का नीचे सपोर्ट है 43,116 पे और जो हमारे पास मंथली सपोर्ट है वो है 43,099 पे. 43,000 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है. 42,870 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी और प्रीवियस डे लो का जो लेवल रहेगा वो है 42,814, जिसके ब्रेकडाउन पे हमें जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो है 42,714 और उसके नीचे जो सेकंड टारगेट मिलेगा आपको वो है 42,604. इसके ब्रेक होने के बाद फ्रेंड्स नीचे जो हमारे पास है 42,500 और एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है. प्राइस अगर यहाँ पहुँचता है तो आपको एक डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो एक बाइंग डेफिनेटली बनती है अपसाइड के लिए. अपर साइड की बात करें अगर कल एक प्रीवियस डे हाई का जो लेवल था 43,003 उसको अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास एक इमीडिएट स्मॉल रेजिस्टेंस है 43,320 की. इसके अलावा 43,500 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है. इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में वो है 43,789. इन्हीं लेवल्स के पास में जो भी प्राइस एक्शन सेटअप बनेगा फ्रेंड्स हम अपने ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे. आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमें बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.